केशव और सुभद्रा हरिनारायणपुर गांव में रहने वाले एक पति पत्नी थे। एक दिन वे दोनों बाहर दालान में बैठे थे और अपने बेटे वरुण की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हमारे बेटे को हमारा दिखाया हुआ कोई भी रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा, क्या करें? अब क्या करें केशव, जब तक हमें उसकी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती नए रिश्ते खोजते रहेंगे। अब से मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तुम और तुम्हारा बेटा हर बार नई जगह लड़की देखने जाते हो और फिर तुम लोगों को कोई ना कोई बहाना लगाकर लड़की को नापसंद करना आता है। इस दुनिया में तुम और तुम्हारे बेटे जैसा कोई नहीं। तुम्हारी इसी बुरी नजर के कारण मेरे बेटे की जिंदगी में सुख नहीं है। तुम तो हमेशा उसे ये भी कहते हो कि उसमें तुम्हारे जैसा कोई गुण ही नहीं। पति पत्नी इसी तरह बेटे की शादी की बातें करते रहते हैं। इसी दौरान बेटा वरुण रावली नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। ये देखकर वे दोनों दंग रह जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। माँ पिताजी, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है जिससे मैं प्यार करता हूँ। देखो वरुण, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, किसी के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद लेना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे लिए सबको नमस्ते कह सकती हूँ। वरुण से ऐसा कहकर वो अपने ससुराल वालों को देखती है और हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करती है। केशव और सुभद्रा बिना कुछ कहे घर के अंदर चले जाते हैं। वरुण और रावली भी घर के अंदर आ जाते हैं। सास सुभद्रा चाहती थी कि उसकी बहू रावली उसकी कई हर बात माने। तबीयत ठीक होने पर भी सास सुभद्रा बीमार होने का नाटक करती है और सो जाती है। बहू रावली अपने लिए स्वादिष्ट चीजें बनाती है और खाने लगती है। एक बार भी अपनी सोई हुई सास से नहीं पूछती कि वो क्यों सो रही है। कुछ देर तक ये सब देखने के बाद सुभद्रा सोचती है कि और सोने का फायदा नहीं। वो उठ जाती है और रावली को खाना खाते हुए देखती है। क्या बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सो रही थी। तब तुम्हें कम से कम एक बार तो मेरे पास आकर पूछना चाहिए था कि माँ आपको क्या हुआ है। तुम मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं लाई, तुम मुझे क्या समझती हो? आप मुझे चोर दिखती हो। चोर दिखने का क्या मतलब? क्या किसी कौवे ने तुम्हारी आंखें नोच ली हैं? चोर नहीं तो क्या, आपने सोचा कि अपनी बहू के आने के बाद उसे अपने वश में करके रखोगी। आपने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी जबकि आप तो बिल्कुल ठीक हो। झूठ मूठ सो गई थी और मुझे चुपके चुपके देख रही थी। जब बहू ने ऐसा कहा तो सुभद्रा बिना कुछ कहे रसोई में गई और खाना पकाने के बर्तन देखे, सब खाली थे, किसी कटोरे में कुछ नहीं था। उसने जानबूझकर सारा खाना खा लिया। यदि मैं उसे कुछ कहूंगी तो मुझे पलटकर जवाब देगी और मुझे ही चोर बनाएगी। मुझे इससे सावधान रहना चाहिए पर डरना भी नहीं चाहिए। मुझे किसी न किसी तरह उसे अपनी बात मनवानी होगी। बहू रावली जैसा चाहती थी वैसे रहती थी। तो एक दिन सास सुभद्रा, बहू इधर तो आना। जल्दी बोलो सासू माँ, मुझे बाहर जाना है। इतनी शाम को बाहर क्यों जाना है? अरे सासू माँ, आप पुरानी सोच वाली हो। शाम के समय औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब बकवास बातें वो औरतें करती हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। आजकल की औरतें आप जैसी नहीं होती। और सबका तो पता नहीं पर मेरे लिए दिन तब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं पानी पूरी की 10 प्लेट नहीं खाऊं। पता है आपको, वही खाने जा रही थी। और बताइए, कुछ और कहना है आपको? नहीं तो जाऊं मैं। तुम्हारी सास होने के नाते क्या मैं तुम्हें समझा नहीं सकती? मैं कहती हूँ बाहर बहू की तरह ही बनकर जाऊंगी। लगता है बाहर बारिश होगी। पानी पूरी खाने जा रही हूँ, लौट आऊंगी। पानी पूरी, पानी पूरी, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। तुम्हारे ससुर जी जो बाहर गए और मेरा बेटा दोनों भूखे घर आएंगे। जल्दी जाओ और खाना बनाओ। जाओ। मैंने खाना पकाकर रख दिया है भाई। अभी शाम के 5 बजे हैं और तुम कह रही हो कि तुमने खाना बनाकर रख दिया? क्या खाना ठंडा नहीं हो जाएगा? उस पर सर्दी का मौसम है तो शाम को 7 बजे खाना बनाना चाहिए था। चावल ठंडे होंगे तो कैसे खाएंगे वो लोग? अपने अपने हाथ से खाएंगे। मैंने सोचा कि पैर से खाएंगे। बहू, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। जब मैं लौट कर आऊंगी तो आपसे लड़ लूंगी। जा रही हूँ। देखो बहू, तुम बाजार में 200 से 300 रुपए की पानी पूरी खाओगी जबकि घर पर 200 रुपए में सबके लिए बन जाएगी। चलो सबको घर में बनाकर खिलाएं। रावली ने कहा ठीक है। सासू माँ ने जो कहा वो ठीक ही था। उसने सोचा कि उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया। आप पैसे दे दो, मैं जाती हूँ पानी पूरी बनाने के लिए जो चाहिए वो खरीद कर आती हूँ। तुम्हारे पास भी तो होंगे पैसे। नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने कैसे कहा कि तुम पानी पूरी खाने बाजार जा रही हो, बताओ जरा। मैंने आपसे कहा था क्योंकि मैं उधार में खाना चाहती थी। ओ, तो क्या वो तुमको पानी पूरी भी उधार में दे देंगे? इन दिनों लोग पानी पूरी स्टॉल पर भी हिसाब लिखते हैं सासू माँ।
हिसाब क्यों नहीं लिखेंगे? तुम अकेली ही ऐसी हो जो 20-30 लोगों के बराबर खा जाती हो, इसलिए वो तुमको उधार में खिला देते हैं। अगर तुम सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाओ तब मैं देखूंगी कैसे उधार में देंगे। शाम के वक्त बाहर जाकर पानी पूरी खाएगी। आप पैसे दे रही हो या नहीं? सुभद्रा अपनी बहू की बातें सुनती है और उसको पैसे निकाल कर देती है। रावली सासू माँ से पैसे लेती है और पानी पूरी खाने चली जाती है। आज वो थोड़ी कम पानी पूरी खाती है। इस तरह लड़ते झगड़ते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सास बहू दोनों मौज मस्ती के लिए खेत में जाती हैं। केशव खेत जोत रहा था, तभी वहां उन्हें सोने के 2 बर्तन दिखे। वे दोनों उन बर्तनों को बिना किसी तीसरे को दिखाए जल्दी से घर ले आती हैं, उनको संदूक के अंदर रखती हैं और ताला लगा देती हैं। सोने के उन 2 बर्तनों को देखकर सब खुश हो जाते हैं। ये सोना मेरे पति के हल जोतते समय मिला है, इसलिए मैं हूँ इसकी मालकिन। नहीं नहीं, हम बांटेंगे, क्योंकि खेत तो हमारा भी है, तो ये हमारा भी हुआ। मैं बड़ी हूँ और इसके अलावा तुम्हारी सास भी, मैं पहले रहूंगी फिर तुम। ऐसा लगता है कि आप तो जल्दी मर जाओगी, तो आपको सोने की जरूरत ही क्या है सासू माँ? मेरे पास अभी भी बच्चों के साथ पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है कि नहीं? सास बहू दोनों सोने को लेकर लड़ती हैं और बाप बेटा के कितने भी समझाने के बावजूद उनकी बहस नहीं रुकती। दोनों ये कहते हुए लड़ती जाती हैं कि मेरा है हिस्सा, मुझे दे दो। चलो कुछ करते हैं, हम दोनों तौल लेते हैं और हम अपने वजन के बराबर सोना ले लेंगे। तुम तो एक मोटा पानी भरा गुब्बारा हो और मैं तो खाली पिचकारी। तुमको तो ज्यादा मिल जाएगा, मुझे कम मिलेगा। मैं नहीं मानती ये बात। ठीक है, लेकिन कुछ तो करते हैं, तुम 2 बार बैठ जाना। मैं सिर्फ 1 ही बार बैठूंगी, अब तो बात ठीक है। ये सुझाव रावली को अच्छा लगा, इसलिए वो मान गई। वो अपने पति से एक बड़ा तराजू मंगाती है। सास सुभद्रा उस तराजू पर सबसे पहले बैठती है। बहू रावली का सारा ध्यान सोने पर रहता है। इस बीच दरवाजे पर दस्तक होती है, सभी का ध्यान बढ़ जाता है। कोई दरवाजे को बार बार जोर से पीटता है। केशव जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर पुलिस को देखकर केशव चौंक जाता है। पुलिस अंदर आती है, उसे देखकर सास बहू सहम जाती हैं। वे उनके पास आती हैं और 2 बर्तनों में सोना देखती है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, देखिए जब सोना इस तरह मिले तो वो सरकार का होता है, क्योंकि आप सरकार को बताए बिना खुद ही आपस में बांट रहे हैं, इसलिए आपको सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर पिता और पुत्र बहुत डर जाते हैं और हर कोई पुलिस ऑफिसर से माफी मांगने लगता है। पुलिस सोने के बर्तन लेकर चली जाती है। सास बहू दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखती हैं, एक दूसरे को गाली देती हैं और कहती हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। सास बहू के इस माथा फोड़ी को देखकर बाप बेटे अपना सिर पकड़ लेते हैं। हे प्रभु, इनका समझौता कैसे कराएं? राधा गांव में लड़ाकू कनकम्मा की किराने की दुकान पर जाती है, लेकिन देखती है कि दुकान और घर दोनों बंद है। ये क्या, लड़ाकू मुर्गी कनकम्मा जो तिरुपति गई है, उसने कहा था कि 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं और ये पूरा परिवार तिरुपति से अभी तक नहीं आया। घर पर ताला लगा है, दुकान पर भी। लड़ाकू कनकम्मा अपनी दुकान छोड़कर 4 दिन हो जाने के बाद भी मजे से रह रही है। सब भगवान वेंकटेश्वर की महिमा लगती है। जब राधा लड़ाकू कनकम्मा की किराने की दुकान से दूर जाने लगती है, विनोद और सुधा ऑटो में आते हैं और अपने अपने बैग्स पकड़कर नीचे उतर जाते हैं। सुधा का चेहरा खुशी से खिल रहा था, लेकिन विनोद का चेहरा बेहद उदास था। सुनो, ऑटो ड्राइवर को पैसे तो दो ताकि वो जा सके। विनोद ने यह भी नहीं पूछा कि कितना किराया हुआ और 100 रुपए का नोट ऑटो ड्राइवर को दे दिया। ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया। राधा उन्हें देखती है। ये क्या, बेटा और बहू नजर आ रहे हैं, लेकिन कनकम्मा कहां चली गई? ये सोचकर राधा उनके पास जाती है। वो सुधा और विनोद को देखती है। राधा को लगता है कि सुधा खुश है और विनोद दुखी। पति पत्नी में किसी बात पर बहस हुई लगती है। सुधा के मन की हुई है, इसीलिए वो खुश है। विनोद की सुधा के आगे चली नहीं होगी, इसलिए वो इतना दुखी लग रहा है। राधा ये सोचते हुए सुधा से पूछती है, सुधा तुम्हारी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही? मुझे नहीं पता आंटी, इनसे पूछिए, सुधा कहकर चली जाती है। सुधा के कहने पर राधा विनोद से पूछती है,
लेकिन वो भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा कि लड़ाकू कनकम्मा कहाँ है। राधा थोड़ा अजीब महसूस करती है लेकिन चली जाती है। सुधा और विनोद घर आए, ताला खोला और घर के अंदर घुसे। उन्होंने कनकम्मा की तस्वीर को दीवार पर लटके हुए मुस्कुराते हुए देखा। सुधा बिना देर किए बैग से एक माला लेती है और फोटो को चढ़ा देती है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं माला क्यों खरीद रही हूँ, इसीलिए खरीदी थी। विनोद ये देखकर रोने लगा। नहीं सुधा, माँ की तस्वीर पर माला मत डालो, मैं ये नहीं देख सकता। हम नहीं जानते कि वो मरी है या नहीं। तुम्हारी माँ तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन से गिर गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी माँ जीवित होगी अभी तक? वो जिंदा रहे ना रहे और वापस ना आए, ये तुम एक बहू के रूप में चाहती हो जो बदला लेना चाहती है, लेकिन एक बेटे के रूप में जो अपनी माँ से प्यार करता है, मुझे अपनी माँ के जीवित रहने की इच्छा है और ये भगवान तय करेगा। हमें देखना होगा कि वो क्या करता है, तुम्हारे बदले की भावना को जिताएगा या मेरे प्यार को। सासू माँ, लड़ाकू कनकम माँ, आपने अपने बेटे को जीवन साथी के रूप में मुझे दिया, आश्रय के लिए ये घर दिया, जीवन गुजारने के लिए दुकान दी, फिर अब आपके जीवित लौटने की क्या जरूरत है? मैंने आपको चलती ट्रेन से लात मारी, आप घाटी में या पेड़ों पर गिरी होंगी। जिंदा नहीं बचना, और बच भी जाओ तो वहीं रहो, क्योंकि तुम बहुत 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 बुरी सास हो। सुधा रसोई में खाना बना रही है और खुश है कि उसकी सास वहां नहीं है, और ऐसा सोचती है, हमारी लड़ाकू सख्त सास वाली मुसीबत दूर हो गई है। मैं जिस भी बात के लिए डरती थी कि मैं क्या छूं क्या नहीं, जब मैं कुछ खाती थी तो वो अपने शब्दों से मुझे काटती थी, अब मेरी पसंद चलेगी, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगी, मैं जैसा चाहूं खाना बना सकती हूँ। मैंने सोचा था कि जिस बहू के पास सास नहीं होती वो सबसे सुखी होती है, लेकिन जब तक मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया मुझे समझ नहीं आया कि सबसे अच्छा क्यों है। आज मन कितना शांत है। इसी बीच उसका पति विनोद किचन के पास आ जाता है। सुधा, मेरी माँ के फोटो पर लगी माला हटा दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं अपनी माँ से इतने दिनों तक दूर कभी नहीं रहा। सुबह होते ही वो रेडियो की तरह हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, देखो हमारी माँ के बिना घर में कितना सन्नाटा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? अगर माला डालने से ये सच हो जाता कि वो जिंदा नहीं रहती तो ये काम मैं उनके रहते ही कर लेती, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं कह रही हूँ मेरे दिल को कुचलते हुए कि तुम्हारी माँ इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वो एक सख्त जान है जो दूसरों को मार सकती है, वो बहुत अड़ियल है। मुझे बताओ कि क्या वो इतनी आसानी से मर सकती है? वो वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो किराने की दुकान खोलती है। वो उसे अच्छी तरह से साफ करती है और ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठ जाती है। राधा जो इंतजार कर रही थी कि किराना की दुकान कब खुले, जब वो देखती है कि लड़ाकू कनकम्मा की दुकान खुली है। क्या दुकान खुल गई? लड़ाकू कनकम्मा आ गई शायद। एक सप्ताह हो गया है, मैंने उसके मुंह से चिल्लाने और गालियों वाले अपशब्द नहीं सुने। मेरे कानों में जो जंग लगी है, जब उस आवाज को सुनेगी तो तुरंत झड़ जाएगी। ये सोचकर वो दुकान के करीब आती है। दुकान में बहू सुधा को देखती है, यानी लड़ाकू कनकम्मा नहीं आई। राधम्मा का चेहरा छोटा हो जाता है। सुधा ने ये देख लिया। अरे आंटी, मेरी सास अभी भी तिरुपति में है, कुछ दिनों के लिए वो भगवान की आराधना करेगी, फिर वापस आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आंटी आपको क्या चाहिए था? मैंने तो सोचा था कि लड़ाकू कनकम्मा आ गई होगी, पर वो नहीं आई। मेरी सास मुझे आपके बारे में हमेशा बताती रहती आंटी कि मेरी राधा मुझे विशेष रूप से प्रिय है। एक रुपया ज्यादा ले लो वो ठीक है, लेकिन उसे जो चाहिए वो दे दो और खाते में लिख लो। राधा ने जैसे ही ये शब्द सुने वो खुशी से झूम उठी। वो 200 रुपए का किराने का सामान जैसे शैम्पू साबुन और सब ले जाती है। सुधा भी संतुष्ट महसूस करती है, राधा किराने का सामान लेती है और चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुधा और विनोद रात में सो रहे थे। लड़ाकू कनकम्मा रात में गांव में अकेले घर आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। विनोद विनोद जागो, मैं हूं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बेटा। कनकम्मा दरवाजा खटखटाती है।
सुधा की आंखें तुरंत खुल गई। दरवाजे पर दस्तक होती उसे सुनाई दी। आवाज सुनाई तो मेरी सास जैसी रही है, क्या किसी संयोग से वो बच गई? सोच समझकर बिस्तर से उठी और हॉल में आई और दरवाजा खोला। बाहर आकर देखती है जहां उसे कोई नजर नहीं आता। लड़ाकू कनकम्मा पहले से ही अंदर दाखिल हो चुकी थी, सुधा को दिखी नहीं। सब कुछ मेरा भ्रम है, जो मर गई वो फिर से कैसे जीवित होकर आ जाएगी? ये सोचकर वो वापस जाती है और सो जाती है। लड़ाकू कनकम्मा रसोई में है, वो चावल खा रही है। सुधा सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। ये क्या, रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही हैं? ये सोचकर वो उठ जाती है। विनोद और वो साथ में किचन में आ जाते हैं। देखते हैं कि लाइट जल रही है और कनकम्मा चावल खाते हुए नजर आती है। सुधा को डर लगता है कि वो भूतनी है, लेकिन विनोद उसकी माँ होने के नाते से छू लेता है। तब सुधा समझ गई कि उसकी सास जिंदा वापस आ गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू मुझे जानबूझकर मारना चाहती थी, इससे सावधान रहना होगा। इसके अलावा मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या चीज हूँ, कनकम्मा सोचती है। जब से सास कनकम्मा घर वापस आई थी, सुधा की खुशी हवा हो गई थी। वो सोचती है कि अगर उसकी सास जीवित रहेगी तो वो खुश नहीं रह सकती। मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरी सास जिंदा रहेगी तो ये नहीं हो सकेगा। सासू माँ, मेरे माता पिता ने फोन किया है कि दहेज के रूप में दी गई 10 एकड़ जमीन हमारे नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए, और उन्होंने ड्राइवर के साथ एक कार भेजी। गाड़ी रखकर ड्राइवर ये कहकर चला गया है कि कुछ जरूरी काम आ गया है। यूं भी मुझे गाड़ी चलाना आता है, तो चलिए चलते हैं। बिना कुछ सोचे समझे 10 एकड़ का खेत मिल रहा है, ये सोचकर कनकम्मा जाकर कार में बैठ जाती है। सुधा खुशी खुशी गाड़ी चलाती है। कुछ दूर जाने के बाद रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। सुधा ट्रैक पर गाड़ी ले जाती है और रोक देती है। कार स्टार्ट नहीं होने का ड्रामा करती है। कार शुरू नहीं होती, कनकम्मा के लिए सब कुछ उलझन में डालने वाला होता है। सुधा कार से नीचे उतरती है और कार को चाबी से लॉक कर देती है और जाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरी मदद करो, सास चिल्लाती है। एक ट्रेन उस ट्रैक पर आकर कार से टकरा जाती है। अगले भाग में देखिए कि सास के साथ क्या हुआ।